फाइनली हो चुकी है दुल्हन विदा। गाइस सबसे बुरा मोमेंट होता है लाइफ का है जब एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं। तो यहाँ शादी हो रही है, अंदर शादी होने वाली, तो आपको हम दिखाते हैं कैसे हो रही है शादी। गाइस ये मम्मी और भैया लोग खड़े हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। जय श्री शाम। सो फाइनली आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ दिन से। तो अभी हूँ कोर्ट में, तो अभी थोड़ी देर में निकलूंगा। एक्चुअली मुझे आज हल्द्वानी जाना था, बट मैं अभी थोड़ा किसी रीजन से रुक गया हूँ, पता नहीं अभी जा भी सकता हूँ। सो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, हम कोर्ट से फाइनली निकलते हैं। कोर्ट से फाइनली हो चुका हूँ मैं रेडी। सो अब निकल रहा हूँ हल्द्वानी को। एक्चुअली टाइम हो गया है 5:30 बज चुके हैं, तो अब मैं निकलता हूँ हल्द्वानी। क्योंकि 6:30 बजे तक पहुँचूंगा, तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा। तो फाइनली निकल गया मैं हल्द्वानी को। एक्चुअली शादी है वहाँ पे, तो जाना भी था कल, मुझे काम भी है थोड़ा। फाइनली पहुँच गया मैं हल्द्वानी, और अभी हम सामने मम्मी लोग खड़े हैं। मम्मी लोग गाड़ी लेके आए थे। ये मम्मी और भैया लोग खड़े हैं। तो गाइस फाइनली सब रेडी हो चुके हैं, देखो मेरे पापा लोग, भैया लोग। मैं भी रेडी हो गया हूँ। सो हम लोग निकलते हैं, हम लोग यहाँ से सीधे पार्टी में चलते हैं। वहाँ शादी है, तो हम लोग निकलते हैं शादी में। चल भाई मैं चलना, सब आया चले फिर हम तैयार हो गए। या भी तैयार चलो फिर चले। राहुल बेची भी मैं फाइनली अब हम लोग तैयार हो गए। मैं एक्चुअली पहुंच गया हल्द्वानी, तो अब हम लोग सब निकल रहे हैं बारात शादी में। एक्चुअली पहाड़ से शादी बारात आ रही है, तो हम लोग सब तैयार हो गए। मैं उधरपुर से भी पहुंचा हूँ यहाँ पे। ये भैया भैया भी आया, भैया गाड़ी चला रहे हैं। ये मम्मी बैठी है, मम्मी बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो रही है, और ये पापा भी आए। हम लोग बारात में जा रहे हैं आज। मम्मी बिल्कुल तैयार, रेडी हो रखी है बिल्कुल अच्छे से। तो रेडी तो होंगी, फिर रोज ही घर में पागल जैसी बनी रहती हूँ। पापा भी आए, पापा भैया गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है कटघरिया जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली कटघरिया में शादी है, अभी हम हल्द्वानी में। यहाँ पे गीतांजलि मैरिज हॉल है, तो हम लोग सीधे वहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमें लोकेशन तो नहीं पता, बट अभी सब लोग पहाड़ से आए हैं वो लोग, तो हम देखते हैं अभी लोकेशन। वहाँ जाते हैं तो पता करेंगे कहाँ पे गीतांजलि बैंकेट हॉल। भतीजी शादी है, मेरे जिठानी की नातिनी की शादी है। नातिनी की शादी है, पहाड़ से लोग आए हैं यहाँ मैरिज हॉल में। शादी है गीतांजलि मैरिज हॉल कटघरिया पड़ता है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ मेरी जिठानी की नातिनी तो हुई हो, उसकी शादी है आज। फाइनली पहुंच गए हम लोकेशन पे। ये मम्मी अपना सामान निकाल लिए, तो अब उतरते हैं, जल्दी से चलते हैं अंदर बैंकेट हॉल में। सो फाइनली पहुंच गए हम बैंकेट हॉल। मेरी बहू है, मेरी भाई की, हम आज शादी में आए हैं। हां मेरी बहू है ये, और ये दिल्ली रहते हैं। अरे टीका हमारे पहाड़ों में लिखते हैं ना, टीका लगाते हैं ये साड़ी। अभी हम यहाँ पे मम्मी ऐसे न्योता वगैरह लिखाते हैं हमारे पहाड़ों में, कहाँ ये। तो अभी हम लोग यहाँ नीता वगैरह लिखाने आए थे। अभी काफी टाइम है, बारात आने वाली है। फाइनली हो चुका है डिनर, सब लोगों ने खाना ना खा लिया है। अभी दूल्हा दुल्हन की होने वाली शादी, सो अभी पहाड़ी रीति रिवाज से दिखाऊंगा आप लोग को। अभी उनका फोटो शूट चल रहा है, अभी मैंने कुछ मूवमेंट दिखाया आप लोग को। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखिएगा, दिखाता हूँ आप लोग को। ये पार्टी चल रही है, पार्टी एक्चुअली ओवर हो चुकी है। देखिए अभी सामने ये आपको दिखाता हूँ, ये रहा इतना, यहाँ इतना हो रहा है, बट कोई नहीं। अभी मैं भी जाता हूँ अंदर। हम क्या इतनी मत खींचो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सुनील पांडे। तो आपको इस चैनल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, और सब्सक्राइब भी करना है सुनील पांडे ब्लॉग्स, और सुनील पांडे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ शादी हो रही है, अंदर शादी होने वाली, तो आपको हम दिखाते हैं कैसे हो रही है शादी।
तो चलते हैं आप लोग हम अंदर, दिखाते हैं आप लोग को अंदर का व्यू। चाची और मम्मी बैठे हैं। कई सालों में मुलाकात हो रही है हमारी आज, बहुत सालों में। कितने साल हो गए? बहुत हो गए होंगे, 9-10 के होंगे, 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए आज मुलाकात हुई है शादी में। दुल्हन आराम आराम से चलकर स्टेज में दूल्हे राजा के पास जा रही है। अभी रात के बजे हैं, दो बजे हैं और हम लोग आए हैं रोडवेज में चाय पीने हल्द्वानी। अब लोग को फैक्ट्री भैया लोग गए हैं चाय लेने, दिखाता हूँ आप लोग को रोडवेज का माहौल बाहर का। भाई ये देखो रात के 2 बजे हुए हैं, अभी हम लोग आए हैं हल्द्वानी रोडवेज चाय पीने। अभी फिर से हम लोगों ने जाना है वहाँ शादी में, एक्चुअली वहाँ पे अभी बारात वरात होगी, फेरे वेरे सब होने, सो वरमाला आपको वरमाला तो दिखाई दे अभी आप लोग को, अब वहाँ फेरे वगैरह दिखाता हूँ। सभी बस चाय पी के निकलते हैं यहाँ से वहीं पे। मसाला डाल के मैगी का। तो 2 हम लोग आए रोड पे चाय पीने। हम परकोटी से हैं, पैतृक गांव हमारा परकोटी में। आज हम हल्द्वानी एक बारात में आए हैं चाय पीने, चाय पी रहे हैं रोड पे स्टेशन के आगे रात के 1:30 बजे। सो फाइनली पहुँच गए हम यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हो चुके हैं फेरे। एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी में सोने। एक्चुअली फेरे हो चुके, जब विदाई विदाई होगी तो फिर गाइस थोड़ी देर में 1-2 घंटा सो जाता हूँ, उसके बाद उठ के आऊंगा मैं बाहर को, फिर दिखाएंगे आपको विदाई दुल्हन की। तो गाइस ये रही गाड़ी, अब जाता हूँ गाड़ी में फटाक से, पहले सोता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस देखिए अब विदाई हो रही दुल्हन की। भी आता है सब लोग को, भी दिखाया आप लोगों को कितना रो रहे थे सब लोग। तो गाइस बहुत सबसे बुरा टाइम होता है एक्चुअली, 24-25 साल से पाल के फिर लास्ट में इसे विदा कर देते हैं दूसरे घर की ओर। सो अब गाइस हम भी निकलते हैं यहाँ से, दिखाता हूँ आप लोग को लास्ट मोमेंट, दिखाता हूँ फिर हम भी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली अब हम भी चलते हैं घर को। एक्चुअली गाइस सुबह 6:20 है और अभी मुझे इस ब्लॉग को एंड भी करना है, एडिट भी करनी है, डालना भी है। सो अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।